इंटीग्रेटर। देखिए इंटीग्रेटर क्या होता है, सर्किट, ये इंटीग्रेटर का सर्किट है जिसमें जो आउटपुट वेवफॉर्म होगी वो इंटीग्रल होगी इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म के कंपैरिजन में, वो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटर। और या फिर ये जो सर्किट है ये इंटीग्रेशन एम्पलीफायर है। ये जो सर्किट है इसका ये ऑब्टेन होता है जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। ये जो सर्किट है ये सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है, बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो फीडबैक रेजिस्टर था उसको हटा कर यहाँ पे CF फीडबैक कैपेसिटर लगा दिया गया है। जो आउटपुट वोल्टेज होगी उसे हम जो प्रोड्यूस होगी उसे किरचॉफ्स करंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कहाँ पे, नोड V2 पे। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, यानी कि यहाँ पे जो नोड होगा हमारा V2 इस पॉइंट पे किरचॉफ्स करंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे नोड V2 पे। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ से I1 करंट जा रहा है, ये करंट इस पॉइंट पे आके V2 पे आके क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। एक IF करंट जो कि CF की तरफ फ्लो हो रहा है, एक IB करंट जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसमें हम क्या क्या कह सकते हैं, नोड 2 पे I1 जो इज इक्वल टू है IF प्लस IB के। अब जो IB जो बायस करंट है वो नेग्लिजिबल है, स्मॉल है, इसलिए अगर ये करंट स्मॉल है तो I1 इज इक्वल टू IF के इक्वल हो जाएगा। अगर हम रिलेशनशिप देखें करंट और वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस, तो उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो IC होगा वो होगा CdV/dt के इक्वल। अब यहाँ से हमारे पास IC आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू किसके हो सकता है, Vin-V2/R1 के। I इज इक्वल टू V/R होता है ना, Vin-V2/R1 IC, और ये इज इक्वल टू है CdV/dt, इसको लेंगे CfD/t V2-VO। ये वाली हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आई है। अब यहाँ पे V1 इज इक्वल टू है V2 के और V2 इज इक्वल टू है 0 के, क्योंकि जो गेन है वो लार्ज है, यानी V1 और V2 क्या है हमारे पास नियर इक्वल है 0 के। तो गेन लार्ज होने की वजह से ये 0 है, तो V2 की जगह हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे V2 की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, Vin/R1 इज इक्वल टू CfD/dt ब्रैकेट V2 0 पुट कर दिया तो -VO रह गया। ये आया जो आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन होगी वो इंटीग्रेटिंग से प्रोड्यूस होगी, यानी दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को 0 से t टाइम तक Vin/R1 dt, सी इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से 0 to t, CfD/dt -VO dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन की है। अब CF यहां से क्या आएगा, CF-VO + VO जो हमारा टाइम है इज इक्वल टू 0 है, और इस यहां से हमारे पास आउटपुट क्रिएट होगी VO इज इक्वल टू -1/R1 CF इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t V in dt + C। ये हमारे पास आएगी आउटपुट वोल्टेज, जहाँ पे जो C है वो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है और प्रोपोर्शनल है आउटपुट वोल्टेज के VO के, जब टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड है। यानी कि आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम कॉन्स्टेंट के, यानी R1 CF के। अब देखिए अगर हमारी इनपुट साइन वेव है हमारे सर्किट में, तो जो आउटपुट होगी वो कोसाइन वेव होगी, यानी कि इस तरह से आएगी। अगर इनपुट हमारी ये है तो आउटपुट हमारी ये आएगी, अगर इनपुट साइन है तो आउटपुट कोसाइन आएगी।
और अगर इनपुट स्क्वायर वेव्स हैं तो आउटपुट जो आएगी वो ट्रायंगुलर वेव्स में आएगी, कुछ इस तरह से। ये हमारी वेव फॉर्म शो करते हैं जो कि इंटीग्रल होती हैं, यानी इनपुट पे जो होंगे वो आउटपुट पे जो भी आएगी वो इंटीग्रल होगी। और ये जो इसमें देखिए R1CF जो होगा वो 1 सेकंड होगा और टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होगी वो 0 वोल्ट होगी, जबकि जो C है वो इज इक्वल टू 0 होगा। अगर इनपुट वोल्टेज 0 होगी तो इंटीग्रेटर एक ओपन लूप एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि जो कैपेसिटर CF जो फीडबैक रेजिस्टर की जगह पे अपने अप्लाई किया था वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज पे। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो कि पार्ट होती है इनपुट करंट की, और जो हमारी कैपेसिटर CF होता है उसकी चार्जिंग प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस होगी एरर वोल्टेज आउटपुट पे इंटीग्रेटर पे वो शो करेगी। सो एरर वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का यूज किया जाता है। जो हमारा प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर होता है इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और जो पार्ट होता है इनपुट करंट जो कि चार्जिंग करता है CF को, वो एरर वोल्टेज जनरेट करता है आउटपुट पे, और उसको रिड्यूस करने के लिए ही प्रैक्टिकल सर्किट का यूज किया जाता है। यह हमारा इंटीग्रेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।